सो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, आपका स्वागत करते हैं जेके आफिस असर यूट्यूब चैनल में। चलिए आज बात करेंगे क्लास 7 का मैथ। कुछ इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है, और इसके आगे जो बचा हुआ है कुछ वो बताएंगे। और चल रहा है चैप्टर नंबर 4 आपका रेशनल नंबर, और कुछ एग्जाम्पल हैं इसके वो देंगे, ठीक है, जैसा कुछ लिखे हैं। आइए समझाते हैं इसको। रेशनल नंबर, ईच ऑफ द नंबर, सभी नंबर आपके पास ऐसे हैं जैसे 3 by -4, माइनस का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल यही नंबर, ऐसे हजारों संख्या आप बना सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो और देख लीजिए, -6 by 17, -8 by -3 और 2 by 5, ये जो रेशनल नंबर, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं भैया, ये सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर है, ठीक है। वो सिंपल फॉर्म में न रखे, निगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, ये भी नेगेटिव, और हाँ इसको आप पॉजिटिव फॉर्म कह सकते हैं, -8 by -5 पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस से हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस भाग देने पर प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ये हम आपको ऐसा कह सकते हैं, आप ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पर, क्या कहा है, 0 is a number सिंस वी कैन राइट 0 0 by 1। अगर हम जीरो को भैया रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, जीरो को ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जीरो को रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म होता है लिखने का p/q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ पर q इज नॉट इक्वल जीरो, वहाँ जहाँ पर q आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 आ जाए चलेगा, 2 आ जाए चलेगा, 3 इससे अपर आ जाए चलेगा, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो वही कहा है 0 का, सिंस वी कैन राइट 0 0 by 1 लिख सकते हैं, विच इज़ द क्वाटियंट टू इंटीजर विथ अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर, और जहाँ पर इंटीजर के 2 क्वाटियंट होंगे और जहाँ पर डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं आना, जीरो के अलावा कोई आ जाए, नॉन जीरो आ जाए चलेगा, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा हाँ, इसमें आपको बता दें, जैसे देखिए 0 by 5 लिख सकते हैं आप, 0 by 8, 0 by 2, 0 by 1 भी चलेगा, बट 0 by 0 नहीं चलेगा, 1 by 0 नहीं चलेगा, ये हमारे रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, और ये सभी रेशनल नंबर में आ जाएंगे, ये आसानी से रेशनल नंबर में आ जाएंगे। आपको पहले भी बता दिया गया है कि 0 हमारा न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव है, बात ये कंठस्थ होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सभी हमारा नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। अब आप पूछेंगे कैसे, आप पूछेंगे कि कैसे सभी नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर है, तो उसका जवाब हम थोड़ा सा दे रहे हैं आपको, देखिए इसको इरेज करें। देखिए इसमें बात यह है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब कहें नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 ऐसा चलता जाएगा इनफाइनाइट तक है, ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं, यही कहा है ना कि एवरी नेचुरल नंबर आर आपका रेशनल नंबर, ठीक है, तो सभी सभी हमारे एवरी नेचुरल नंबर इज है रेशनल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए जैसे हम नेचुरल नंबर जानते हैं 1 है, तो 1 को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, 1 को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा रेशनल नंबर में हो जाएगा। रेशनल नंबर कब लिखा जाएगा, जब उसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए, किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिखा जाए। अब देखिए आप कहेंगे फिर इसको अगर रिवर्स करें, मतलब फिर अगर उसी फॉर्म में ले आना चाहे तो ले आ सकते हैं ना, जैसे देखिए 1/1 को ऐसा कर सकते हैं क्या, 1/1 कर सकते हैं, 1 1 = 1, फिर आपका 1 ही प्राप्त होगा। इस तरीके से जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो हमारे सभी रेशनल नंबर हैं। जैसे देखिए 2 लिख सकते हैं, तो 2 का फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं 2/1। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर उसी रूप में लाने के लिए 2 में 1 का भाग दे देंगे, क्योंकि बटे है तो भाग तो देना पड़ेगा, तो 1 × 2 हो जाएगा, फिर आपका यही 2 प्राप्त गेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी संख्याएं हैं जो आप चेक कर सकते हैं आसानी से p/q के रूप में। मान लीजिए अगर आप 3 लेते हैं, तो इसको लिखने का तरीका 3/1 कर सकते हैं आप आसानी से, फिर अगर 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 × 3 आपका 3 प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, अब बात आती है कि ऐसा कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर,
अब यही थोड़ा सा पलट दे रहे हैं। देखिए अभी तक कहा क्या कहा है, इवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अभी प्रेजेंट में आपको क्या कह रहा है, इवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सभी आपके प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर जो हैं वो हमारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन क्या इवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? सभी जो हमारे पास रेशनल नंबर हैं क्या वो क्या कह सकते हैं रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल कैसे नहीं है? अगर हम ऐसा कह दें तो देखिए ये सेंटेंस तो हमारा सही है, लेकिन अगर यही पलट दिया जाए एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए रेशनल नंबर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2/3 इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2/3 के रूप में भी रेशनल नंबर को लिखते हैं, लेकिन क्या ये 2/3 नेचुरल नंबर में आएगा क्या? देखते हैं। तो 2 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 6 18 फिर आएगा, फिर वही 3 6 18 तो 0.66। ऐसे हमारा क्या नेचुरल नंबर होता है क्या? नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होता। इसलिए आप पक्की बात जान लीजिए कि सभी नेचुरल नंबर आपके रेशनल नंबर हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। कंठस्थ हुई बात, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, इवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स हमारे पास रेशनल नंबर हैं, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हैं। आपको फिर वही बात है। अब इंटीजर में आप कहेंगे सर कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर्स जो है इसमें प्लस भी आते हैं, माइनस भी आता है और जीरो भी आता है। ठीक है, हमारे इंटीजर में प्लस भी आते हैं, माइनस भी आता है, जीरो आता है। तो आप कहेंगे अभी आपने कहा है कि जीरो को तो रेशनल नंबर में नहीं ले सकते, लेकिन हमने ऐसा तो नहीं कहा कि जीरो को ले ही नहीं सकते। हमने ऐसा कहा था कि जीरो को रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब केवल क्यू में, केवल डिनोमिनेटर में। जैसे देखिए ये हमारा है p/q, यहाँ पर जीरो हमारा नहीं आना चाहिए, बाकी यहाँ जीरो आ जाएगा तो चलेगा, तो चलेगा, ठीक है, दौड़ेगा। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में जीरो आ जाएगा तो हमारा रेशनल नंबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तब अब आप संतुष्ट हुए ना कि सभी इंटीजर्स क्या है, हमारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। सभी के सभी हमारे जो रेशनल नंबर हैं वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, कैसे आइए दिखाते हैं आपको। पहला आपने जान ही लिया है कि हाँ यहाँ पर जो जीरो की बात थी वो कहानी खत्म हुई, कि 0/1 लिख सकते हैं, इस पर कोई हर्ज नहीं, ये आपका सही है, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, ये भी आप क्लियर हो गया। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा प्लस माइनस में। ठीक है, अब क्या है ना कि आप अभी कहेंगे कि सर कुछ वैल्यू हमारे जो इंटीजर्स हैं उसमें माइनस भी होता है, कुछ माइनस होते हैं और कुछ प्लस होते हैं। मैक्सिमम संख्याएं ऐसा इसमें कुछ नहीं कह सकते कि मैक्सिमम संख्याएं प्लस कुछ नहीं, माइनस प्लस 0 तीनों होते हैं इसमें। ठीक है, और दो ही नंबर काउंट किए जाते हैं इंटीजर्स में, वो है नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो देखते हैं माइनस में, तो ऐसा माइनस में आपका माइनस एक आता है, तो माइनस 1/5 लिख सकते हैं इसमें, माइनस 1/1 लिख सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में है तो 3/4, 4/3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी सही हैं, ये सभी के सभी इंटीजर्स में आएंगे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। ठीक है, चलिए पांचवे में चलते हैं। आपका जो पांचवा है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। सभी फ्रैक्शन आपके क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। ठीक है, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो आपका रेशनल नंबर हैं। हाँ, तो कैसे होते हैं ये बताते हैं, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि फ्रैक्शन जो होता है हमारा नेचुरल नंबर से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, और नेचुरल नंबर में हमारे 1 से
दो तीन चार ऐसी संख्याएं सभी की सभी हमारे पास आती जाती हैं सभी नेचुरल नंबर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। अब आपको बता दें कि फ्रैक्शन को ए बाई बी के रूप में लिखा जाता है, फ्रैक्शन को ए बाई बी के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहीं पर अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो उसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, जहाँ पर क्यू हमारा क्या रहता है, जीरो के बराबर नहीं होता, यानी नॉन जीरो संख्या आती है, नॉन जीरो नंबर्स आते हैं हमारे पास। और यहाँ पर भी हमारे पास जो बी इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर आएंगे तो नेचुरल नंबर में हम आप तो जानते हैं कि आपका जीरो तो आएगा नहीं, फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर आते हैं और नेचुरल नंबर में जीरो आता नहीं, तो इसका मतलब उसमें क्या रहेगा, जहाँ पर ये बी है, बी इज़ नॉट इक्वल जीरो आल्सो, तो ये आप जानते हैं हमेशा कि ये जो बी है इसके बराबर आपका जीरो नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में हमारे क्या हो सकती हैं संख्याएँ, 1/2, 3/4, ठीक है, ऐसी संख्याएं सभी के सभी आ सकती हैं। और ये सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हुई कि नहीं, हाँ हुई, एग्जैक्ट हुई। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सर माइनस में कर सकते हैं क्या? आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारा माइनस में नहीं होता, लेकिन रेशनल नंबर जो है वो माइनस में होता है, मतलब आप कह सकते हैं वो नेगेटिव होता है, और इंटीजर्स में आपके नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब अगर -3/4 कहा जाए तो ये तो हमारा फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन हमारा रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब अब कह सकते हैं आप कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। सभी के सभी फ्रैक्शन हमारे पास रेशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपने देखा है कि आपके रेशनल नंबर माइनस में भी होते हैं, और माइनस का मतलब है कि वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन आपका जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव नहीं होता, ओनली ओनली पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब फाइनल हुआ कि आपके सभी के सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं आपका आगे, देखते हैं क्या है। हाँ आगे है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव आर बोथ निगेटिव। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है इसका कि आपके रेशनल नंबर तभी पॉजिटिव होंगे जब वहाँ पर दी गई संख्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव में हो और दोनों ही नेगेटिव में हो। जैसे यहाँ पर एक संख्या दी गई थी, ये दोनों ही क्या है, माइनस माइनस में है, यानी नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों ही हमारे जब नेगेटिव होंगे तो ये हमारी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, और दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब तब तो पॉजिटिव है। जैसे 2/5 लिखा है, 3/4 लिखा है, 3/8 लिखा है, 9/6 लिखा है, या फिर 100 लिखा है, या फिर 10/20 लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब ये सभी हमारे क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन -3/-4 है, -12/-13 है, -18/- का 19 है, ठीक है। ऐसी अगर संख्याएं हैं तो इसका मतलब ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, क्या है भैया, पॉजिटिव है। ये बात क्लियर हो गई? अगर दोनों केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही निगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सेकेंड में, निगेटिव रेशनल नंबर में। देखिए निगेटिव रेशनल नंबर हमारा क्या कह रहा है कि निगेटिव रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव, तभी निगेटिव क्या कह सकते हैं, निगेटिव कह सकते हैं जब इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अदर इज अ निगेटिव इंटीजर्स। जो हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं इंटीजर्स में, उसमें से कोई एक पॉजिटिव हो और जो दूसरा है अदर है वो निगेटिव है, या फिर पहला वाला ही निगेटिव हो और सेकेंड वाला ही आपका है पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब उसमें
ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों हमारे माइनस में रहें या फिर नेगेटिव में रहें, कोई एक तभी आपका ये नेगेटिव होगा। जैसे देखिए माइनस का 8/13, माइनस का 17/18, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं इनके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका न्यूमरेटर है ये और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर क्या है माइनस और डिनोमिनेटर क्या है पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये सिक्वेंस पलट भी सकता है, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं 13/-19। अब यहाँ पर न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव, इसका मतलब सभी के सभी हमारे अब नेगेटिव हैं। ये सभी के सभी संख्याएं हमारे पास नेगेटिव रेशनल नंबर है, क्लियर हुई बात। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भी संख्या जैसे देख लीजिए माइनस का 100/20, माइनस का 18/100, ये सभी के सभी हमारे पास नेगेटिव हैं। क्या है भैया, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई कि नहीं। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू जो थी हमने आपको दे दिया है, और आप फ्रैक्शन में भी सब सीख चुके हैं, और जितने थे सभी जीरो इसको भी देख लीजिए, जीरो इज अ नंबर सिंस वी कैन राइट 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि इंटीजर्स तो जीरो है ऑलरेडी, लेकिन इसको लिखने के तरीके में अगर आप रेशनल नंबर में लिखना चाहते हैं तो 0/1 लिख सकते हैं। ये सभी के सभी वैल्यू आपको बता दी जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, और देखिए सब्सक्राइब करने में पैसा कुछ नहीं लगता, इतना मेहनत किए हैं, इतना कंटेंट इकट्ठा किए हैं आपके लिए, तो आप थोड़ा सा लाइक करिएगा, और हाँ क्या कहते हैं बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको पर डे वीडियो मिलेगा। थैंक यू।